आपने 20-25 साल से जॉब स्टार्ट की और 65 फाइव ईयर तक आप रिटायर होंगे यही वो टाइम है जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है जिंदगी में आप में पावर है आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं लेकिन आप क्या करते हो इस जॉब में चले जाते हो मैं बार बार कह रहा हूँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने जॉब से खुश नहीं है मेजोरिटी ऐसे लोग होते हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से ऑन्ट्रप्रनोर हैं वो बिजनेस कर सकते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते या उनको गाइडलाइन भी मिलती या उनको नहीं मिलता तो आपके बारे नारे हो जाते हैं यानी पैसा इतना आता है कि यार आप आराम से बैठ के एक नहीं दस बिजनेस चला सकते हमसे डॉक्टर्स बात करते हैं हमसे इंजीनियर बात करते हैं हमसे अकाउंटेंट्स बात करते हैं वो इसलिए उस फील्ड में आ गए कि बचपन में उनके वालदेन ने कहा था कि इसी से पैसा आता है इसी से जॉब मिलनी है असलम जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब में खुश नहीं है मैं आज ये साबित करूंगा कि किस तरह वो जॉब जो आपको पसंद नहीं है वो आपकी सारी जिंदगी को मेजरेबल बना देती है ट्रबल सम बना देती है आप खुश नहीं रहते सारी जिंदगी में तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ये फर्ज करें ये आपकी जिंदगी है ऑन एवरेज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वो जितने ऑन uh, एवरेज एक बंदा जिंदा रहता है वो है सड़सठ साल सड़सठ साल तक वो जिंदा रहता है ये दस साल बीस साल तीस साल चालीस साल ये पूरा एक चार्ट है लेकिन नॉर्मली देखें होता क्या है कि आपको जो जॉब मिलती है यानी जॉब की आप स्ट्रगल शुरू करते हैं वो तकरीबन लगभग लग लग 20 साल से आप स्टार्ट करते हैं 20 से 25 साल के दरमियान आपको जॉब मिलती है अब नॉर्मली यहां क्या होता है इस जॉब में फिर आपने अगले 30, 35, 40 साल गुजार देने हैं यानी आपने 20-25 साल से जॉब स्टार्ट की और 65 ईयर तक आप रिटायर होंगे तो अगर ये आप सारा टाइम चेक करें तो ये सारा टाइम आपने जॉब में गुजारना है अगर ये जॉब ऐसी है जिसमें आप खुश नहीं हैं जिससे आपके जो टैलेंट हैं स्किल्स हैं वो सामने नहीं आती तो आप सारे का सारा ये टाइम आप मिजरी में गुजारेंगे इससे पहले बचपन आ जाता है फिर आप टीन एज आती है उसके बाद यही वो टाइम है जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है जिंदगी में आप में पावर है आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं लेकिन आप क्या करते हो इस जॉब में चले जाते हो मैं बार बार कह रहा हूँ इन उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने जॉब से खुश नहीं है मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से आंट्रपनोर हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते या उनको गाइडलाइन नहीं मिलती या उनको सपोर्ट नहीं मिलती तो उसकी वजह से ये सारा का सारा अरसा वो एक ऐसी जॉब में है जहाँ वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको वो पसंद नहीं है तो इससे होता क्या है कि ना सिर्फ आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होती है बहुत ज्यादा फिर आपने एक फैमिली को लीड करना है वो सारे का सारा सिस्टम खराब हो जाता है यही चीजें फिर आगे पास ऑन करेंगे और इस तरह से ये लड़ी आगे से आगे चलती जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज कि यार यही आपके मेन साल हैं जो आपने जॉब में गुजार देने मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब आप छोड़ दो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस की तरफ आना चाहते हो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स हैं लेकिन अगर ये किया जाए कि ये दस से बीस साल का जो अरसा है यहाँ अगर हम देखें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको बिजनेस का शौक है जो एंटरप्रेन्योर बन सकता है उसको ट्रेन किया जाए तो वो क्या करेगा 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो अपना एक बिजनेस शुरू कर देगा बिजनेस का क्या होता है कि शुरू में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है पांच साल तीन साल दो साल आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन एक दफा ये आप कर देते हैं बिजनेस चल पड़ता है तो आपके वारे नियारे हो जाते हैं यानी पैसा इतना आता है कि यार आप आराम से बैठ के एक नहीं दस बिजनेसिस चला सकते हो और फिर आप क्या कर सकते हो बेशुमार लोगों को जॉब्स भी दे सकते हो और दूसरे लोगों को सिखा कर उनसे भी बिज़नेस करवा सकते हो तो ये उन लोगों के लिए जिन जो अंटरपनोर हैं फर्ज करें आप अभी इस किस्म की जॉब में फंसे और शायद कुछ लोग समझते हैं कि जिनकी जॉब थोड़ी माड़ी है वो नाखुश हैं हमसे डॉक्टर्स बात करते हैं हमसे इंजीनियर बात करते हैं हमसे अकाउंटेंट्स बात करते हैं वो इसलिए उस फील्ड में आ गए कि बचपन में उनके वालदेन ने कहा था कि इसी से पैसा आता है इसी से जॉब मिलनी है तो इस फील्ड में चले जाओ उनको ज़बरदस्ती घुसा दिया गया लेकिन अंदर से वो शायद आंट्रप्रनोर थे शायद उन्होंने वो यूट्यूब का कोई काम कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं लोकल बिजनेस कर सकते हैं कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं लेकिन ये सारी जो आपकी स्किल्स थी वो छुप गई और आप एक ऐसी जॉब में चले गए जिसमें आपका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होता फ़र्ज़ करें आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपके सामने क्या ऑप्शन हैं अगर आप पढ़े लिखे हो आप अभी भी निकल सकते हो लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहता कि जो शीले बनकर जॉब छोड़ दो और बिजनेस की तरफ आ जाओ फर्ज करें आपको पचास साठ हज़ार रुपए मिल रहे हैं तो उससे शायद आपका किचन चल रहा है और अगर आप छोड़ोगे तो वो किचन बंद होगा टेंशन होगी उल्टा आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे तो फेज हैं फेज कैसे आपने समझना है कि पहला स्टेप ये है कि अपने फ्री टाइम में जॉब के बाद बिज़नेस अपर्चुनिटीज़ को देखो पहले सीखो यूट्यूब पे सारा नॉलेज पड़ा है वहां से सीखो या किसी ऑन्ट्रप्रनर को फॉलो करो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर वहां से सीखें तीन महीने का टारगेट रखें कि मैंने सीखना है फिर पहला स्टेप लें एक छोटे लेवल पे एक बिजनेस या काम स्टार्ट कर दें वहां से जब ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच जाए कि इतने पैसे आना शुरू हो जाएं कि जब आपके घर का खर्चा चल सकता है फिर आप इस पोजिशन में है कि आप जॉब छोड़ सकते हैं तो इसमें ऑप्शंस क्या है बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत आसान ऑप्शन है कि ऑनलाइन बिजनेस अब ऑनलाइन बिजनेस में बेशुमार चीज़ें हैं आप बड़ी आसानी से पाकिस्तान में आजकल एक समझे के इनकलाब आया हुआ है ई कॉमर्स का ई कॉमर्स सीख के आप अमेजन पे काम कर सकते हो पाकिस्तान से पाकिस्तान में दराज पे काम कर सकते हो ओ पे बेच सकते हो सोशल मीडिया पे बेच सकते हो एक वो ऑप्शन है फिर फ्री है फ्री में आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हो इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसके अलावा यूट्यूब में अगर आप स्पीकर बन सकते हो अगर आप वी लॉगर हो आपको कोई शौक है इंटरेस्ट है जिसको आपको लगता है कि आप वीडियोज़ बनाएं तो लोग देखेंगे आप उसमें आ सकते हैं उस इसके अलावा बेशुमार डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं ये उन लोगों को सूट करता है जो पढ़े लिखे हैं जिनको इंग्लिश आती हो जो लोगों से ऑनलाइन या फ़ोन पे आराम से बात कर सकते हो तो दूसरे नंबर पे ऐसे लोग शायद जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं है तो वो समझते हैं कि यार ऑनलाइन में तो हम जा नहीं सकते तो हम क्या करें उनके लिए इजी ऑप्शन ये है कि कोई लोकल बिजनेस में आओ जिस तरह फर्ज करें हमारी एक क्लास में हमने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एक एक हज़ार रुपया दिया कि जाओ यहाँ लाहौर में जो आ, मार्केट है शाल में वहाँ से कोई चीज़ लो और वो बेच के दिखाओ एक दिन में ज़्यादातर नाइन्टी लोगों ने प्रॉफिट कमाया एक हज़ार रुपये उन्होंने तीन सौ चार सौ पाँच सौ इवन एक हज़ार से ज़्यादा भी कमाया प्रॉफिट तो आप भी इस तरह से देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन मौजूद हैं शायद छोटी सी आप साबुन की फैक्ट्री अपने घर लगा सकते हो शायद इवन यहां पे मसला ये है कि यहां वो स्टेटस का बहुत रोला है कि लोग समझते हैं कि रेडी लगाना जो है ना वो इज्जत का काम नहीं है और कई एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लोगों ने रेहड़ियों से काम शुरू किया और आप बिलियनर बन चुके हैं तो किसी काम में भी शर्म महसूस नहीं करनी छोटे से छोटा काम जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है आप लोकल बिजनेस से काम स्टार्ट कर सकते हो फिर फर्ज करें तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो जॉब में फंसे हुए हैं लेकिन शायद वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अच्छी खासी तनख्वाह कमा रहे हैं लेकिन जॉब उनको पसंद नहीं है तो उनके पास सेविंग होगी अगर आपके पास सेविंग है तो आप इन दो लोगों से कोलेबरेट कर सकते हो या आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है पैसिव इनकम क्या होती है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता फर्ज करें मैं अपना एक करोड़ रुपया बाइक की इंडस्ट्री में किसी कंपनी के साथ जो काफी तेजी से ऊपर जा रही लगा देता हूं तो वही एक करोड़ मुझे पता है साल 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 में साल में में करोड़ करोड़ बन जाएगा तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट कर सकते हैं तो आप अपनी जो वेल्थ है बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये कोशिश करूंगा कि अपनी भी एग्जाम्पल दूं कि मैंने एक साल में पिछले साल में कैसे किया कहाँ इन्वेस्ट किया क्या काम किया और मैंने अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाया तो वो सारी डिटेल भी बताऊंगा तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं लेकिन याद रखें एंड ऑफ द डे अगर आप पेरेंट हो अगर आपके बच्चे हैं 10 से 20 साल की उम्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पहले ये फिगर आउट करो वो क्या करना चाहते हैं अगर आप फिगर आउट नहीं किया आपने जबरदस्ती फोर्स किया कि डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो एक तो जॉब नहीं मिलती आजकल दूसरा उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि वो अपनी सारी की सारी जिंदगी जो है वो नाखुश रहेंगे आपने नहीं करना नीचे आज ही कमेंट करें आप क्या करते हो क्या करना चाहते हो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ मिलके आपके जो कमेंट्स होंगे आपकी सिचुएशन होंगी उसके मुताबिक आपको एडवाइस देंगे कि आप जिंदगी में इस जेंडर से निकल के बिजनेस की तरफ कैसे आ सकते हो लाखों कैसे कमा सकते हो दूसरों को कैसे सिखा सकते हो और मिल के हम एक रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं थैंक यू वेरी मच